साथ इस वक्त जुड़ी हैं और कविता के साथ हम बातें करना चाहेंगे। कविता कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं अनिमेश? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हम दोनों की पूरी दुनिया की एक जैसी हालत है। वेल, उसके बारे में भी हम बातें करेंगे, लॉकडाउन लेकर बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, कॉन्ग्रेट्स कहना चाहूंगा फैजल सेठ को और पूरी की पूरी कविता भाभी टीम को, क्योंकि टॉप 10 वेब सीरीज में एक है इस वक्त लॉकडाउन के दौरान। कविता भाभी, ओवरऑल एक्सपीरियंस प्लीज शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच पहले कि आप लोगों ने इतना पसंद किया। मैं फैसल के बिहाफ से भी आपको थैंक यू बोल देती हूँ। ऑफकोर्स अगर वो होते तो आपको थैंक यू बोलते। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा कविता भाभी बनाने का। बस सडनली दिमाग में आया कि कुछ नया करना है, कुछ हटके करना है, तो वो क्या कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर मेरा और फैसल का दिमाग बहुत घूम रहा था, जैसे कहते हैं कि घोड़े जो होते हैं वो दौड़ रहे होते हैं, वो हो रहा था। फिर एक लेडी है, कविता भाभी इज अ ट्रू इवेंट, क्योंकि जब एक वक्त था आपका 80s का और 90s का, तब ये फोन कॉल्स करते थे जिसे सेक्स कॉल्स बोला जाता है, ठीक है। तो उस वक्त की जितनी भी लेडीज थी, अभी तो खैर ऑब्वियस है वो चीज़ें नहीं है, अभी वीडियो कॉल्स आ गए, काफ़ी सारी चीज़ें आ गई, तो उस वक्त ये हुआ करता था। और उन लोगों को, उन आदमी को आई वुड से जिनको एक प्लेजर चाहिए होता था सिर्फ बात करने के लिए, तो उस सिलसिले में उस वक्त एक लेडी थी कविता, उनका नाम भी कविता ही था, और वो ऐसे सेक्स रैकेट जी, तो ये कोइंसिडेंस हो गया था वहाँ पे। सो ये वो क्या करती थी, सेक्स कॉल्स वगैरह उनके पास आते थे, वो भी बात करती थी बहुत उससे, और वो उस वक्त दिल्ली में थी। हमारी खुशकिस्मती ये थी कि वो दिल्ली में थी, हम, मैं और फैसल दोनों टिकट फटाफट बुक आई एंड वी वेंट देयर, वी मेट दैट लेडी, उनसे हमारी मुलाकात हुई, उनसे बातें हुई। फैसल इज़ अ राइटर ऑल्सो, तो वो उनको उनकी सारी बातें सुन रहे थे कि उनको क्या लिखना है, एंड मी एज एन एक्ट्रेस मैं उनको ऑब्जर्व कर रही थी ऊपर से नीचे तक, उनका बोलना, उनका चलना, कि अगर वो अंदर जा रही है एक कप चाय लाने के लिए भी तो वो कैसे जा रही है। तो दैट वाज माय होमवर्क दैट टाइम कि वो बोलती किस तरीके से। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, जितनी मुझे कमेंट्स आए हैं सबने मेरी आवाज़ को बहुत पसंद किया है। आई मस्ट टेल यू, वो लेडी की आवाज़ वॉज सो अपीलिंग, इट वॉज सो सेक्सी, मजा आ गया उनकी आवाज सुन के। दो शी वॉज वेरी ऑर्डिनरी लुकिंग लेडी, लेकिन क्योंकि फोन पे जैसे आप लोग आरजेज है, माशाल्लाह आप अच्छे दिखते हैं, ऐसी बात नहीं है जैसे मुझे दिख रहे हैं इस पर, लेकिन आप लोग की आवाज आपके ऑडियंस को आपकी तरफ खींचती है। सेम वे ऑन कॉल्स उनकी आवाज लोगों को उनकी तरफ खींचती है, और सेम उनकी मतलब मुझे ट्राई करने की कोशिश करनी पड़ी, लेकिन मुझे डायरेक्टर ने बोल दिया फैसल ने कि भी आप अपनी ही आवाज़ से बात कीजिए जैसे आपको करना है, मैंने वैसे ही किया, और उनकी आवाज़ भी यही थी। और जब हम लोग शूट कर रहे थे, अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूँ, उनके कुछ टेप्स भी हमारे पास थे, हमने लिए थे क्योंकि फॉर द स्क्रिप्टिंग, कि क्या बातें हुआ करती थी उस वक्त, किस तरीके से वो इंटाइस किया करती थी लोगों से बात करना होता था, कि ताकि वो वापस कॉल बैक करे, वो सेम जैसे कि आपने सीरीज में देखा होगा कि पर कॉल पर मिनट के हिसाब से उनको पैसे मिलते थे। सो उस तरीके से तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया शूट करते हुए, एक रियलिटी देखने को मिली उस वक्त, क्योंकि उस वक्त वो काम किया करती थी और हमारी पैदाइश थी उस वक्त, तो हमें मालूम भी नहीं था कि होता क्या। तो महसूस करने को मिला कि 80 और 90s में क्या हुआ करता था, जो हम घर पे सिर्फ स्कूल के सिर्फ होमवर्क कर रहे होते थे, और हमारे बाहर दुनिया में क्या हो रहा होता था, अनलेस हम लोग बाहर खुद निकले और हमें पता लगा कि आखिर होता क्या है बाहर निकल के, क्या कैसे काम किया जाता है, कैसे नहीं होता। बट बहुत मजा आया शूट करते हुए। बिल्कुल कविता, और भी बहुत सारे सवाल है जो कविता भाभी लेकर मैं आपसे पूछने वाला, लेकिन उसके पहले मैं जानना चाहूंगा, अभी लॉकडाउन के दौरान हम दोनों के पास थोड़ा सा वक्त ज्यादा है, इसलिए आपके फैंस, आपके फॉलोअर्स जो आपको पसंद करते हैं वो भी जानना चाहते हैं। कविता, बचपन की कुछ बातें हमारे साथ अगर शेयर करें, बचपन से क्या स्टूडियस थी, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देती थी, कैसी थी कविता? अरे क्या बात कर रहे हैं यार, मैं इंडस्ट्री में आई हूँ, आपको लगता है मैं स्टडीज में अच्छी होंगी? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। एक्टिंग वाले लोग को कुछ नहीं आता जी, हम लोग पढ़ाई लिखाई से तो दूर रहते हैं। नहीं नहीं, मैं सिर्फ अपना बता रही हूँ ना, मैं और किसी एक्टर्स के बारे में नहीं बोल रही, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री के अंदर सो मेनी, देयर स्कॉलर्स, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं,
सो मैं उनके बारे में बिल्कुल नहीं बोल रही, मैं सिर्फ अपना बता रही हूँ कि स्टडीज में आई वाज लाइक यू नो ओके ओके के लगा कि अरे एग्जाम्स आ रहे तो पढ़ लो, मम्मा बोलती थी कि अरे पढ़ लो कुछ कर लो दुनिया में, कुछ करना होगा, कामयाब कैसे होंगे, तो थोड़ा सा बुक पकड़ के बैठ जाते थे। लेकिन जैसे ही टीवी की आवाज आती थी तो यू नो पानी के बहाने या वॉशरूम के बहाने निकल के खिड़की में से देखना कि क्या चल रहा है, कौन सा प्रोग्राम देख रही है पूरी फैमिली, तो वी यूज टू डू दैट। और हालात अचानक से जब मम्मा की नजर पड़ती थी तो डांट भी बहुत खाई है हमने इस चीज के ऊपर। पर बचपन का ये था कि स्कूल में मुझे साइलेंट गर्ल बोला जाता था, जितना मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ। इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे ऐसा लगता था मैं कुछ बोलूंगी सामने वाला हंस पड़ेगा शायद, मेरा मजाक बना देगा, तो वो एक चीज मेरे दिमाग में बहुत रह रही थी। बहुत इंट्रोवर्ट थी, बाहर निकलना हुआ तो ऐसा लगा कि नहीं भाई कॉन्फिडेंस होगा देन ओनली यू कैन सर्वाइव, अदरवाइज घर पे बैठो खाना पीना खाओ टीवी देखो खाने सीखो कैसे बनाने, बस ये। बट निकलना था काम करना था तो कॉन्फिडेंस भी आ गया। एंड इसका मैं श्रेय अपनी मम्मा को देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे इनकरेज किया। दूसरा श्रेय मैं मेरे डायरेक्टर फैसल सैफ को देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे बताया कि कविता अगर सर्वाइव करना है देन यू हैव टू बी आउटस्पोकन, यू हैव टू वेयर दैट कॉन्फिडेंस, अदरवाइज आपके लिए इंडस्ट्री नहीं है, आप वापस दिल्ली जा सकते हैं। सो ये दो लोगों का श्रेय देना, इन दोनों को देना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया इन दोनों को। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद कविता आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज की, आप कन्नड़ मूवीज में नजर आई, तमिल में, हिंदी सीरियल्स, वेब सीरीज, साथ ही साथ इंग्लिश भी आपने अब एक प्रोजेक्ट काम कर लिया है, तो मुझे बताइए ये सफर आपका कैसे शुरू हुआ, आप मूवीज में आपकी जो एक्टिंग करियर कैसे शुरू हुई आपकी? जब मैं मुंबई आई थी अपनी माँ के साथ तो कुछ मेरे ख्याल से एक महीना मेरी मम्मा मेरे साथ यहाँ पे रुकी थी टू सेटल मी डाउन। फिर उसके बाद घर पे जाना ऑब्वियस है, मेरी पूरी फैमिली थी वहाँ पे, तो मम्मा यहाँ पे छोड़ गई कि चलो आपका सफर शुरू हो गया और बस चलते बनो, अपना फोकस रखना, इधर उधर कहीं डोल वोल मत जाना, ये तो कुछ नहीं कर पाओगे, वापस आ जाना हो जाएगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी, मम्मा जाने से पहले ट्रेन में बैठने से पहले इतना कुछ बोल के गई थी। और वहाँ से मेरा स्ट्रगल शुरू हो गया, और स्ट्रगल ऐसा था कि मुंबई में नई नई थी, मालूम नहीं था कि किससे मिलना होता है, क्योंकि कुछ एक इंटरव्यू सुने थे अपने वक्त में दिल्ली में, तो ये सोचा था कि भी शायद कॉफ़ी शॉप में बैठूंगी तो कोई डायरेक्टर शायद स्पॉट कर लेगा, शायद कोई प्रोड्यूसर स्पॉट कर लेगा, लेकिन वो फिक्शन रहता है, रियलिटी में शायद ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, हो सकता है किसी के साथ हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो मेरा स्ट्रगल बड़ा लंबा रहा, काफ़ी सारी लोगों को ऑडिशन देने के लिए गई, पता लगा बैंड्रा में ऑडिशन होता है, श्री जीज में होता है, चलो अगर पैसा कमाना है, अगर सीरियल में कुछ नहीं हो रहा चलिए ऐड कर लीजिए, ऐड में थोड़ा सा पैसा मिल जाता है, तो मुझे लगा कि अगर एक भी ऐड मिल गई, अगर मुझे वो थोड़े से पैसे मिल गए तो मैं एक थोड़ा सा और अपना सर्वाइवल प्लान कर सकती हूँ। बट बदकिस्मती मेरी, मैं हमेशा नॉट फिट द बिल रही हमेशा, जैसे कि यहाँ का एक टर्म है, तो वो मुझे हमेशा से मिलता रहा। फिर किसी तरीके से मेरी मुलाकात फैसल साहब से हुई, मुझे एक छोटी सी ऐड की थी मैंने फॉर पोगो, इट वाज फॉर हाथी मसाला, तो मैंने की थी, और उसी में से क्रू में से किसी ने मुझे फैसल का कॉन्टैक्ट दिया कि ही इज अ डायरेक्टर, और इन्होंने एक फिल्म है जिज्ञासा बनाई है ऋषिता भट्ट को लेके, एंड इट वाज अ बिग हिट, तो आप जाके मिलिए अगर देखना है तो फॉर असिस्टेंट, यू नो एज एन एक्ट्रेस मत चले जाइएगा, एज एन असिस्टेंट जाएगा। मैं कहा चलिए एज एन असिस्टेंट चले जाते हैं, इंडस्ट्री से एक यू नो एक जोड़ रखना ही है तो असिस्टेंट करके कर लेते हैं, और कितने सारे एक्टर्स हैं जो एज एन असिस्टेंट ही आगे जाके कुछ हुए। तो मेरा उनसे मिलना हुआ, एज एन असिस्टेंट मैंने उनको ज्वाइन किया, फैजल सैफ ने पूछा आर यू एन एक्ट्रेस ऑल्सो, तो मैं हल्का सा स्माइल, मैंने कहा हाँ, तो फिर मैंने मेरी पूछने की जरूरत नहीं हुई फैसल से कि भी आपको कैसे मालूम, बट क्योंकि ही इज अ डायरेक्टर तो शायद अगर मैं पूछती तो मे बी एक इंसल्ट हो जाता, तो ठीक है ये स्क्रिप्ट है चलो बात करते हैं। हमारी प्री प्रोडक्शन चलती रही मूवी को लेके, एंड द मूवी वॉज 5 घंटे में 5 करोड़, एंड जब लोग ट्रेवल कर रहे थे फॉर द शूट, हम लोग जब जलंधर जा रहे थे क्योंकि हमारी जलंधर में शूट थी, तो रास्ते में फैसल ने बोला एक एक रोल है उसके अंदर अगर आपने देखा हो रेशमा का, तो मैंने कहा हाँ, वो हमने कास्टिंग नहीं की, तो कहता कास्ट तो मेरे साथ जा रही है, तो दैट वाज अ बिगेस्ट सरप्राइज फॉर मी ट्रैवलिंग में, और पूरी रात मैं सोचती रही, जब तक हम लोग पहुंचे नहीं दिल्ली,
तो ये सोचती थी कि शिट ये मिल गया है, अभी क्या करना है, कैसे करना है. देन ही वॉज द बिगेस्ट सपोर्ट, ही सेड आई एम देयर विद यू. ये एक छोटा सा स्टार्ट है, लो देखते कहाँ तक जाता है. फिर वहाँ से फैसल के साथ क्रिएटिव बातें और क्रिएटिव डिफरेंस, ये एज एन असिस्टेंट एंड एज एन एक्ट्रेस बहुत रहे जो आज तक है, और मुझे पता है ये मरते दम तक रहेंगे. हम लोगों की दो दो दिन तक क्रिएटिव डिफरेंसेस के ऊपर झगड़े होते रहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं. खैर वहाँ से मेरा ये सफ़र शुरू हुआ 5 घंटे का. फिर जब मेरी फिल्म रिलीज पे थी, जिस दिन रिलीज हुई थी उस दिन मैं कनाडा फिल्म कर रही थी, मेरी फर्स्ट रागिनी IPS, वो फिल्म मैं शूट कर रही थी और सारी खबर रखने की कोशिश कर रही थी कि फिल्म को लेके क्या हुआ क्या नहीं हुआ. फिर थोड़े वक्त के बाद ये पता लगा कि 2012 की अमंगस्ट 10 बेस्ट एरोटिक फिल्म्स के अंदर 5 घंटे 5 करोड़ का नाम आया. दैट वाज अ गुड न्यूज़ फॉर अस. फिर रागिनी IPS रिलीज हुई, फिर उसी दौरान काफ़ी कुछ चलता रहा हमारा. फिर मुझे एक शो मिला विक्रम भट्ट जी का, हु डन इट. इट वाज अ थ्रिलर जो स्टार वन आया करता था, आपको याद हो, एक चैनल आया करता था तो उस पे था वो शो. वो आया, फिर थोड़ा सा बीच में रुक गया. अब ये तो है नहीं कि मैं आई और इंडस्ट्री की यू नो शक्ल बदल गई, नहीं, बहुत स्ट्रगल था, टाइम लगा. फिर एक हॉरर फिल्म की शैतान, देन फिर एक हम लोगों ने शैतान की, फिर हमारी एक इंटरनेशनल फिल्म बनी जिसको फैसल ने ही डायरेक्ट किया था, इस्लामिक एक्सॉर्सिस्ट. उसको भी अच्छी खासी रेविंग रिव्यूज मिले, पीपल आउटसाइड ऑफ इंडिया दे लव दैट फिल्म. और बस उसके बाद हमारी फिर कविता भाभी आ गई और आप लोगों ने और ज़्यादा पसंद किया. और एक दो फिल्म और है, एज यू नो कि लॉकडाउन है तो वी कॉन्ट रिलीज films right now क्योंकि theaters are shut down. So बस कविता भाभी अभी OTT platform पे आ गई है और आप लोगों ने सबने पसंद किए और हम लोग आपने सामने बैठे और एक दूसरे का इंटरव्यू ले भी रहे और दे भी रहे. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बातें करके. वैसे कविता, मैं और भी कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूंगा. फैजल की सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगती है? वो माशाल्लाह बहुत अच्छे डायरेक्टर है और आपने बहुत सारी मूवीज उनके साथ की है, तो बताना चाहेंगे उनकी एक चीज जो बहुत अच्छी है और एक चीज जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है? मैं एनिमेश आपको, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कुछ ही चीज़ें बताना चाहती हूँ कि शायद मैंने कभी फैसल को भी नहीं बताई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं फैसल को बताऊंगा ना चलेगी झाड़ पे चढ़ जाएंगे वो, बिकॉज वी आर लाइक वेरी गुड फ्रेंड्स, तो एक दूसरे की लेग पुलिंग करते रहते हैं. फैसल से की एक चीज़ बहुत अच्छी, दैट ही इज़ वेरी डेडिकेटेड. अगर हम लोग स्क्रिप्टिंग पे है, यू नो फर्दर उस पर इनिशियल स्टेजेस पे है स्क्रिप्टिंग के, और अगर मुझे बीच में भूख लग रही है या मुझे कुछ खाने का मूड कर रहा है, तो मेरा डर ये रहता है कि फैसल से पूछूं कि नहीं पूछूं, क्योंकि दैट बंदा वो बैठते नहीं है ड्यूरिंग शूट ऑल्सो, ही डजंट सिट. फैसल बैठ जाइए, ब्रेक हो गया कुछ खा लीजिए, नहीं. That dedication of his is amazing. वो ना बैठते हैं ना खाना खाते हैं, कह रहे शूट पैकअप हो जाएगा उसके बाद खाएंगे. आफ्टर पैकअप भी पूरा डिस्कशन होता है कि कल क्या करना है, उसके बाद वो बोलते हैं लाइए प्लेट लाइए अब मुझे भूख लग रही है. तो ही इज दैट काइंड ऑफ एन डायरेक्टर. एंड उनकी जो एरोटिका के ऊपर जो हमारे जो जॉनरास रहते हैं इंडस्ट्री के अंदर, एरोटिका, कॉमिक, रोमांस, यू नो हॉरर, उनके इसके ऊपर पकड़ बहुत अच्छी है, एरोटिका के ऊपर, देन थ्रिलर के ऊपर एंड हॉरर के ऊपर. ही हैज़ अ ग्रेट 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 होल्ड, बिकॉज ये तीनों ही मेरे भी फेवरेट जॉनरास हैं. एंड एक दूसरे को हम सजेस्ट करते रहते हैं फिल्म्स को लेके भी, कुछ अच्छा थ्रिलर दिख गया तो यू नो हम लोग ऑल ओवर द प्लेस हो जाते हैं कि ये फिल्म देखनी ही देखनी है हमें, या हॉरर कोई फिल्म आती है हमें थिएटर में जाके देखनी ही देखनी है, बिकॉज इट्स आर स्टडी. Being an actor, director or the makers, it's a study कि हमें ये चीज़ें देखनी ही है. तो ये चीज़ें हैं. और उनकी writing, उनका way of presenting a character कैसे करना है, और अगर हम set पे हैं और मेरा shot है और मैं जो पूछना है कि फैसल ये आपका character है कविता भाभी का या रेशमा का या और भी जो भी हम लोगों ने साथ में काम किया है, तो कैसे है, तो उनका बोलना होता है, वो उनका freedom रहता है कि यू एज एन एक्ट्रेस आप क्या करना चाहते हैं स्क्रीन पे, पहले आप वो कीजिए.
इन केस मुझे कुछ दिखता है कमी पेशी तो मैं आपको बता दूंगा. तो वो फ्रीडम फॉर एन एक एक्टर के लिए वो एक बहुत जरूरी चीज होती है. वो जो देते हैं सेट के ऊपर तो करते हुए और अपना खुल जाते हैं. आप अपना होल्ड करके नहीं रहते, आप खुल जाते हैं. तो आप अपना 1000% देने की कोशिश करते हैं और अगर कोई कमी पेशी रहेगी तो वो बाकी का परसेंट फैसल सैफ पूरा करवा देते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, ये एक अच्छे डायरेक्टर की निशानी होती है जो अपने एक्टर को फ्री रखे और उसको अपने अपने तरीके से एक्ट करने दे. वैसे कविता मुझे ये बताइए कि लॉकडाउन का वक्त अभी बीत रहा है, लॉकडाउन में अभी आप कैसे समय बिता रही हैं, सुबह शाम तक क्या क्या कर रही हैं, कुछ और अपने क्वालिटीज आपने निकाली है क्या, कैसे बीत रहा है समय? मैं ना बहुत सोच रही हूँ काफी सारी नई चीजें सीखने के लिए. बेसिकली अभी तो खैर एक टीवी ऑन रहता है हमेशा, चाहे वो म्यूट पे हो वो ऑन रहता है, बिकॉज आई वांट माय टीवी पूरी जब तक मेरी आंखें बंद नहीं होती नींद की वो ऑन रहना चाहिए. दूसरा बस थोड़ा सा लेट सो रही हूँ तो लेट उठना हो रहा है, पर जब उठना होता है तो फिर ऑब्वियस है बहुत लंबी फास्टिंग हो जाती है तो खाना खाना होता है. तो थोड़ा सा अपना कुकिंग वगैरह, क्योंकि अभी कंटिन्यू बेसिस पे कुकिंग हो रही है. पहले जब काम करते हैं वापस आते हैं तो ऐसा लगता है क्या बनाना क्यों है, चलो बाहर से ऑर्डर कर देते हैं. एज यू नो वो भी नहीं हो सकता. तो अभी जो भी मम्मा का सिखाया हुआ था पूरा बस वो कुकिंग चलती रहती है. फिर एक टाइम मिलता है बीच में जहाँ पे अपने आप को फिट रखने के लिए मैं रामदेव बाबा का योगा करती हूँ. अच्छा मैं इसके थ्रू ये भी बताना चाहती हूँ, थैंक्स टू रामदेव बाबा जो योगा को इतना शुरू से करते आ रहे, लेकिन हम लोग बेवकूफ काम से काम के बोझ के मारे अब हमें रियलाइज हो रहा है कि अपने आप को फिट रखने के लिए, क्योंकि जिमिंग पूरी एकदम ही बंद है, आप जिम में जा नहीं सकते. तो या तो आप वॉकिंग कर लीजिए, रनिंग कर लीजिए, या आप योगा कर लीजिए. तो वो योगा इज द बेस्ट थिंग फॉर मी राइट नाउ जो मैं करती हूँ. और फिर बस फिल्म्स जो जो नहीं देखी हुई थी उनको कैचअप करने की कोशिश कर रही हूँ. कुछ एक जैसे कि मैंने बताया क्राइम और या थ्रिलर मेरा फेवरेट जॉनर है, तो वो मैं देखती रहती हूँ कुछ ना कुछ उसके लिए. वो मुझे नींद नहीं आती जब तक मैं देखूँ ना. बिल्कुल, वैसे वैसे कविता मुझे ये बताइए कि आपकी पहली इनकम, पहली सैलरी या पहली इनकम या पहला चेक आपको कौन सा मिला था, क्या था वो असाइनमेंट, याद है आपको? अच्छा मेरा लाइफ का फर्स्ट एवर चेक था 3000 रुपीज का, जो जब मैं दिल्ली में थी. तो अभी दिल्ली में कुछ समझ नहीं रहता जैसे बॉम्बे में, लेकिन दिल्ली का एक डिफरेंट तरीका है काम करने का. वहाँ पे रैम शोज काफ़ी होते हैं, वहाँ पे सीरियल्स काफ़ी बनते हैं, वहाँ पे आपके वीडियो शूट्स काफ़ी होते हैं, म्यूजिक वीडियोज एंड ऑल. तो मेरी किसी से मुलाकात हुई थी, ही इज़ अ स्टिल अ फ्रेंड, उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने मुझे एक डायरेक्टर से मिलवाया था. उस टाइम एक नया हीरो पोक लॉन्च हुआ था, हीरो होंडा का एक नया मॉडल था जो लॉन्च हुआ था, और वो हमने एक गांव में जा शूट किया था. दैट वाज 10 मिनट्स का एक मिनी फिल्म थी जिसको उस वक्त बोला जाता था, आज शॉर्ट स्टोरीज बोलते हैं, वहाँ पे मिनी फिल्म थी जो मैंने की थी. तो वो 2 दिन का मेरा शूट था एंड 1500 पर डे के अकॉर्डिंगली मुझे 3000 का मिला था वो चेक. एंड वो आती मैंने अपनी मम्मा को दे दिया था. तो दैट वॉज फर्स्ट एवर चेक जो मुझे मिला था वो, क्योंकि पता नहीं था कि क्या करना है, कहाँ यूज करना है, कैसे नहीं करना, तो वो सीधा मम्मा को लाके दे दिया था मैंने. सो दैट वॉज माई फर्स्ट पेमेंट. क्या बात है. तो फ्यूचर की क्या प्लान की है कविता? जैसे आपने बताया कि आपके 2-3 मूवीज अभी आने वाले हैं, आपने प्लान कर रखे हैं, साथ ही साथ नेटफ्लिक्स इंडिया में भी आपके कुछ शुरू होने वाले वेब सीरीज और शुरू होने वाला, ऐसा कुछ प्लान है वेब सीरीज? एक कविता भाभी तो ऑलरेडी ऑन है ना उल्लू पे एंड एमएक्स प्लेयर पे. एक और हमारे 4 वेब सीरीज अभी और आने वाले हैं, उल्लू पे ही आने वाले हैं. अच्छा नॉट मी एज एन एक्टर ओनली, मी एज एन प्रोड्यूसर ऑल्सो, जो उल्लू के ऊपर आने वाला है. और एक भूख करके है एक वेब सीरीज, उसके अंदर मैं हूँ अगेन द सेम को स्टार ऑफ माइंड फ्रॉम कविता भाभी सीजन 1 and 2 ऑल्सो, मिस्टर निशांत पांडे, तो वो भी है उसके अंदर. एंड और जो फिल्म्स मैंने आपको बताई है उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम लगेगा अनलेस अपना लॉकडाउन खुले.
और दो जो इंटरनेशनल फिल्म्स की है, वन इज मैक्स की गन एंड अनदर वन इज रोलॉन्ग. इट्स हॉरर फिल्म, माय फेवरेट जॉनरा एंड थ्रिलर. सो उसकी भी वेट हो रही है. बाकी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए है वो अभी 4 वेब सीरीज है. वन इज अशुद्धि एंड वन इज ब्लू व्हेल एंड भूक एंड वन मोर, मुझे सॉरी नाम याद नहीं आ रहा अभी. इतने सारे काम आप कर रहे हैं कि आपको नाम याद नहीं रह रहे. हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? इतने सारे काम आप कर रहे हो कि आपको नाम याद नहीं रह रहे. यार अनिमेश, मैं एक बात बताऊं, इतनी सी लाइफ है, मेरा ऐसा मानना है सेकंड पल क्या होने वाला है मुझे नहीं पता. तो जो आपको लाइफ दे रही है उसको फटाफट आप ग्रैब करते जाइए और अपने पॉलिसीज के, अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली उसको करते रहिए. क्योंकि अगेन जैसे कि शाहरुख सर ने बोला है, कल हो ना हो, तो जितनी जल्दी आप कर सकते हैं बस करते रहिए. और सच्चे दिल से जितना डेडिकेशन है बस डाल दीजिए, पैशन है डाल दीजिए काम पे. और बाकी तो लोगों को पसंद आना ना आना वो उनके ऊपर ही है, क्योंकि सबसे बड़ा जज वो ही लोग है, उसके अलावा और कोई नहीं है. क्योंकि मुझे मेरा काम ऐसे लगेगा मैंने शोले बना दी या मुगले आलू बना दी, बट एट दी एंड वो ऑडियंस है जो बताएगी कि आपने बनाया क्या आखिर. बिल्कुल बिल्कुल. वैसे लोगों की जब बातें हो रही है तो कविता, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने आपने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लिखा है कि नो मैसेजेस फ्रॉम 11 PM टू 11 AM, ऐसा क्यों? जी बताइए. मेरी ये मेरी पॉलिसी है जो मैं थोड़ा सा फॉलो करती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि लेट नाइट कोई काम नहीं होता अनलेस आप सेट पे हो. तो अगर मैं घर पे हूँ, अगर आपको इम्पोर्टेंस, मतलब अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपको मुझे कास्ट करना है या किसी भी चीज़ के लिए आपको मुझे अप्रोच करना है फॉर एनी सब्जेक्ट, आप मॉर्निंग में कॉल कीजिए ना, सुबह फ़ोन कीजिए, हम लोग बात करेंगे आराम से. अच्छा, सुबह का 11 का इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कितने बजे सोऊंगी और कितने बजे उठूंगी. सो ये थोड़ा सा मेरा टेंशन है अगर जब मैं काम नहीं कर रही हूँ. अगर काम कर रही हूँ देन तो फिर जो भी कॉल टाइम होता है दैट टाइम आई एम ऑलवेज रेडी. लेकिन ये थोड़ा सा एक नॉर्म है जो मैं थोड़ा सा लेके चलती हूँ. और ऑब्वियस है सबकी अपनी अपनी एक सबका अपना अपना एक तरीका है जीने का. आपका भी एक तरीका होगा आई एम श्योर. जो लोग मुझे मैसेज करेंगे या मुझे अप्रोच करना चाहते हैं उनका भी तरीका होता है कि अगर वो खाना खा रहे हैं तो फिर वो खाना खा रहे, दे डोंट कैन कॉल्स. हो सकता है शायद मैंने कभी लोगों को कॉल किया है यू नो दोपहर के 2 बजे या 3 बजे, तो सीधा फ़ोन उठाते बोलते अभी खाना खा रहे हैं, हम लोग बाद में बात करेंगे. तो मेरा भी वैसा एक नॉर्म है कि भी रात में 11 बजे के बाद और सुबह 11 बजे से पहले मुझे. बिल्कुल ये सही है और ऐसा ही होना चाहिए. कविता, कभी कोलकाता आपका आना हुआ है? कभी आप कलकत्ता आई हैं? नहीं, मेरा कभी आना नहीं हुआ और मैं बिल्कुल आना चाहती हूँ कि क्योंकि इंडिया में रह रहे यार, इंडिया के सारे सिटीज नहीं देखे तो फिर लानत है मुझ पर. छोटे मोटे देख पाई हूँ अभी जितने भी देख पाई हूँ, पर मैं हर जगह जाना चाहती हूँ. कोलकाता भी आना चाहती हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे काली माँ के मंदिर आना है, मुझे दुर्गा माँ के मंदिर मुझे आके आशीर्वाद लेना है, और मुझे और भी बहुत सारी जगह जाना है. मतलब पूरा वर्ल्ड घूमना है यार वैसे तो, लेकिन सबसे पहले इंडिया को एक्सप्लोर करना है, उसके बाद बाहर की सोचेंगे. बिल्कुल कविता, हम चाहेंगे कि लॉकडाउन खुलने के बाद, सब कुछ नॉर्मल होने के बाद आप कोलकाता शहर जरूर आएं. थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए. कुछ कहना चाहेंगे आपके फैंस जो आपको सुन रहे हैं, उन सभी के लिए कोई मैसेज रहेगा, उनसे कुछ कहना चाहेंगे, देख रहे हैं? फैंस के लिए यही मैसेज है कि इस वक्त जो माहौल चल रहा है इसको बहुत सीरियसली लीजिए, क्योंकि देर आर पीपल जो यू नो रूमर्स बता रहे हैं इन चीज़ों को. ऐसा नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपनी जान दे रहे हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपनी इस वक्त लाइफ को यू नो अपनी सांस लेने के लिए भी जूझ रहे हैं जिनको ये कोरोना वायरस हुआ है. सो घर पे रहिए, सेफ रहिए. जो जो अपनी मोदी जी बोल रहे हैं प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए. ये हमारी वेलबींग के लिए, ये हमारे ही लिए. ऑब्वियस अगर हम लोग बाहर निकलेंगे कुछ हमें अगर यू नो अगर कोरोना लग गया तो उसमें मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपने आप को साफ रख रहे हैं. हम लोग नहीं रखते क्योंकि हमें बाहर निकलना, तो वो नहीं होना चाहिए. घर के अंदर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने आप को साफ रखिए. खाना खाने से पहले उसको अच्छे से धोइए, जितनी भी सब्जियाँ हैं जितने भी फल हैं, सैनिटाइज रहिए, हाइजीन रहिए, और लोगों को प्यार करते रहिए. हेटेड अपने दिल से निकालिए. मम्मी पापा को बहुत 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 प्यार दीजिए. डेली उठिए, आई लव यू बोलिए उनको आपके मुंह से.
कुछ या आपकी एनर्जी डाउन नहीं हो जाएगी अगर आप उनको आई लव यू बोल देंगे, उनके थोड़े से पैर सर दबा देंगे. तो जस्ट लव योर पेरेंट्स, लव योर फैमिली, लव योर सेल्फ, बी सेफ, बी क्लीन एंड फॉलो योर हार्ट. बिल्कुल, थैंक यू सो मच कविता हमें समय देने के लिए, फ्रेंड्स एफएम के साथ बातें करने के लिए. मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में भी आप अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम करते रहें, हम सबको एंटरटेन करते रहें. ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच अनिमेश, यू टू टेक केयर प्लीज. थैंक यू सो मच, टेक केयर, लवली, ऑल द बेस्ट. थैंक यू, लवली.